अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आपको चैप्टर नंबर 5 के सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, काइंडली उनको कंप्लीट कर लें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 6, पेज नंबर 29। साइक्स एंड नैंसी ब्रॉट ऑलिवर बैक टू फैगन्स हाउस। दे वर ग्रीटेड लाउडली बाय फैगन एंड ऑल हिज यंग थीव्स। द आर्टफुल डॉजर एंड सम ऑफ द यंगेस्ट बॉयज सर्च्ड हिज पॉकेट्स एंड फाउंड द 5 pounds। अब नैन्सी और जो साइक्स हैं उनको ओलिवर को वापस ले आए हैं और सब ने बड़ी गर्मजोशी से उनको इस्तकबाल किया। अब सारे बड़े खुश हुए और उसके सारे जो चोर दोस्त हैं वो उसकी पॉकेट्स को सर्च करने लगे और उनको वो 5 pounds मिल गए जो मिस्टर ब्रॉनलो ने ओलिवर को बुक शॉप पर पे करने के लिए दिए थे। हेलो व्हाट्स दिस, क्राइड साइक्स। बिफोर ही कुड डू एनीथिंग फैगन हैड ऑलरेडी टेकन द मनी अवे। गिव इट टू मी यू ग्रीडी ओल्ड थीफ, शाउटेड साइक्स। अब इससे पहले कि साइक्स कुछ करता, पहले ही फैगन ने पैसे खींच लिए उससे। लेकिन साथ ही जो साइक्स है उसने कहा कि तुम लालची बूढ़े चोर, मुझे पैसे वापस करो। और उसने बड़ी रफली जो है बड़ी खींच के या ज़ोर से फैगन के हाथ से पैसे जो है लेके अपने पॉकेट में डाल लिए और फैगन ने उसे एक अजीब अगली सा लुक दिया। द आर्टफुल डॉजर एंड अनदर बॉय बिगेन टू टर्न ओवर द पेजेस ऑफ द बुक्स। दे बिलोंग टू द ओल्ड जेंटलमैन हु वॉज सो काइंड टू मी। प्लीज़ सेंड हिम बैक हिज बुक्स एंड मनी, ही विल थिंक आई स्टोल देम। अब जो है जो उसके आर्टफुल डॉजर है और एक और बॉय जो है उसने क्या किया, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से ओलिवर ने जो बुक्स पकड़ी थी उनके पेजेस पलटना शुरू कर दिए। ओलिवर ने बहुत परेशानी से कहा कि ये बिलोंग किसी और से ताल्लुक़ रखती हैं किताबें, आप प्लीज़ इनको ख़राब ना करो, इन किताबों को और पैसों को वापस भेज दो वरना वो समझेंगे कि मैंने चोरी की है। ऑल द थीव्स लाफ्ड। देन ओलिवर ट्राइड टू रन अवे। He ran to the door and went out down the stairs crying help help. Fagin and the boys ran after him. Sykes also ran to help them catch him. अब वो ओलिवर बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने क्या किया रोना शुरू कर दिया, सब हंसने लगे उस पर। ओलिवर ने भागने की कोशिश की, वो बाहर नीचे सीढ़ियों तक उतर कर दरवाजे तक भी चला गया और मदद चलाने लगा। लेकिन फैगन और उसके जो लड़के हैं सारे के सारे उसके पीछे भागे, साइक्स भी उनके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। सून दे ऑल केम बैक विद ओलिवर। दे हेल्ड हिम बाय हिज आर्म्स एंड ड्रैग हिम अलोंग। फैगन पुट हिज अगली ओल्ड फेस close to Oliver and said, so you thought you could get away, did you? Were you going to call the police, my dear? अब जल्द ही उन्होंने क्या किया, ओलिवर को पकड़ लिया और उसको बाजुओं से ऐसे खींचते हुए ऊपर तक ले आए। फैगन ने अपने अजीब सी सूरत से ओलिवर के करीब करके आहिस्ता से बोला कि तुम क्या सोच रहे थे कि तुम इस तरह भाग जाओगे, क्या तुम्हें लगता था क्या तुम पुलिस को बुलाने वाले थे प्यारे? फैगन टुक अ थिक स्टिक फ्रॉम नियर द फायर। उसने एक मोटी सी स्टिक जो है आग के नज़दीक से उठाई और हिट ओलिवर अक्रॉस द बैक और उसको उसकी कमर पर दे मारा। ही वॉज गोइंग टू हिट ओलिवर अ सेकेंड टाइम व्हेन नैन्सी रैन फॉरवर्ड एंड स्टॉप हिम। वो दूसरी दफ़ा मारने लगा तो उससे पहले नैन्सी एकदम आगे आ गई और उसने फैगन को रोक लिया। उस नैन्सी ने कहा कि आई वॉन्ट लेट यू बीट द बॉय फैगन। फैगन मैं तुम्हें लड़के को बिल्कुल मारने नहीं दूंगी। साइक्स केम अप एंड सेड एंग्रीली टू नैन्सी। साइक्स ने आगे आकर नैन्सी से बहुत गु़स्से से कहा कि तुम चुप करो और वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हु डू यू थिंक यू आर, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, प्रिटेंडिंग टू बी सो नाइस एंड काइंड, जो तुम इतना दिखावा कर रही हो बहुत अच्छी और रहमदिल होने का। You are one of us, तुम्हें पता है तुम भी हम में से ही एक हो। नैन्सी ने बहुत गुस्से से चिल्ला कर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं ना होती तुम लोगों में से। I wish I had never brought him here, मैं काश मैं उसको कभी भी यहाँ ना लाई होती। Now this boy will live here, और यहाँ अब ये लड़का यहाँ रहेगा और ये भी चोर बन जाएगा। You brought me here, तुम मुझे यहाँ लाए थे जब मैं छोटी बच्ची थी फैगन। उस वक्त से आई हैव बीन अ थीफ फॉर यू, उस वक्त से मैं तुम्हारे लिए एक चोर ही हूँ। अच्छा अच्छा प्यारी,
यू आर ओनली मेकिंग अ लिविंग फॉर योर सेल्फ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रही थी, तुम सिर्फ अपने लिए रिहाइश का या रहने का बंदोबस्त कर रही थी। फैगिन ने बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया। वो लड़की जो है वो फैगिन की तरफ भागी और उसने फैगिन का चेहरा जो है टियर फाड़ना शुरू कर दिया। और अपने हाथों से ऐसे चीरने लगी उसके चेहरे को। लेकिन साइक्स आ गया और उसने उसको खींच कर वापस कर लिया और वापस खींच लिया नैन्सी को और उसे बहुत सख्ती से मारा। शी फेल टू द फ्लोर, वो ज़मीन पर गिर गई एंड रिमेन देयर, और वहीं पड़ी रही। आफ्टर दिस, इसके बाद नैन्सी वाज मोर केयरफुल, वो और ध्यान से काम किया करती थी। जब उसने अपना गुस्सा दिखाना होता तो वो तरीके में रहती या ख्याल किया करती, क्योंकि उसे पता था कि अब उसको वो मारपीट भी करने लगे हैं। लेकिन शी वॉज़ ट्रू फ्रेंड टू ओलिवर, अब वो ओलिवर की अच्छी दोस्त बन गई थी। इवन इफ दिस वॉज़ अ डेंजरस थिंग, चाहे वो एक ख़तरनाक चीज़ थी। मिस्टर ब्रॉनलो इज़ डिसअपॉइंटेड, मिस्टर ब्रॉनलो जो हैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, मायूस हैं, उन्हें बुरा लगा। अब मिस्टर ब्रॉनलो के हाउस में पेंटोवेल में एवरीवन वाज वेरी सैड। द वीक्स वेंट बाय, हफ्ते गुजर गए, ओलिवर वापस नहीं आया। मिस्टर ब्रॉनलो ने नोटिस लिया, नोटिस जो है पेपर में लगा दिया। द नोटिस सेड दैट मिस्टर ब्रॉनलो वुड गिव अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु न्यू एनीथिंग अबाउट ओलिवर। मिस्टर ब्रॉनलो ने अखबार में नोटिस दिया कि मिस्टर ब्रॉनलो अवार्ड देंगे उस बंदे को जो उनको ओलिवर के बारे में कुछ भी किसी भी किस्म की जो है इंफॉर्मेशन देगा कि अभी ओलिवर कहाँ है, कैसा है। मिस्टर बम्बल ने जब नोटिस देखा तो वो जल्दी से पेंटोवेल आ गए और होपिंग, और उनकी ख्वाहिश क्या थी कि उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। इस मिस्टर ब्रॉनलो होम उन्होंने आकर मिसेस बेडविन से पूछा कि क्या मिस्टर ब्रॉनलो होम घर पर हैं, मैं यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। मिस्टर बम्बल उन्होंने जल्दी से उन्हें अंदर आने का कहा, सर प्लीज़ आप अंदर आएँ। मिस्टर बम्बल जो हैं मिस्टर ब्रॉनलो के स्टडी में ले जाए गए, मिसेस बेडविन उन्हें ले गई। मिस्टर ग्रिमविक वाज देयर टू, मिस्टर ग्रिमविक भी बाय चांस वहीं पर थे। मिस्टर बेडविन जो हैं मिसेस बेडविन ने उन्हें बताया कि मिस्टर ब्रॉनलो को कि मिस्टर बम्बल क्यों आए हैं वहाँ पर। द ओल्ड जेंटलमैन सेड, उन्होंने ओल्ड जेंटलमैन मिस्टर ब्रॉनलो ने कहा कि सो सर व्हाट डू यू नो अबाउट ओलिवर, आपको ओलिवर के बारे में क्या पता है। यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट ओलिवर ट्विस्ट डू यू, मिस्टर ग्रिमविक ने एकदम कहा कि आपको कुछ भी नहीं पता, क्या आपको पता है। मिस्टर बम्बल ने अपना सर हिलाया, शुक हिज हेड, अपना सर हिलाया। बट मिस्टर ब्रॉनलो ओनली सेड टू मिस्टर बम्बल, लेकिन मिस्टर ब्रॉनलो ने मिस्टर बम्बल से सिर्फ ये कहा कि टेल मी, मुझे बताइए सर, ऑल दैट यू नो अबाउट ओलिवर ट्विस्ट, सब बातें जो आप ओलिवर के बारे में जानते हैं। हमारा लेसन यहीं तक है, पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, काइंडली कंप्लीट देम। और आपको इस चैप्टर के जो मीनिंग्स हैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स और सेंटेंसेस भी इंशाल्लाह। प्रीवियस जो आपका चैप्टर है उसकी कंप्लीशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है, क्वेश्चन आंसर्स भी, सेंटेंसेस भी, मीनिंग्स हम पहले कर चुके हैं। तो काइंडली आप लोग अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लो और अपना वेकेशन टास्क जिस बच्चे कराया गया है वो सबमिट करा दें ताकि टाइमली चेक हो सके, आपकी मार्किंग पेपर में इनकॉर्पोरेट होगी समर वेकेशन टास्क की। और अपना काम जो है नीटली करें, काइंडली डू योर होमवर्क, कंप्लीट योर नोटबुक्स, हम चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, पीछे जो लेसन की एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपने करनी है, मुझे प्लीज़ याद ना कराना पड़े। और अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप लोग काइंडली उन्हें कर लें क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बुक पे हमेशा पेंसिल यूज़ करनी है, किसी बच्चे ने बुक पे पेन नहीं यूज़ करना। कंप्लीट योर नोटबुक्स, री रीड योर लेसन्स, ट्रांसलेट दम, ट्रांसलेशन भी आपके पेपर का पार्ट होगी। और थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्स, मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग, अल्लाह हाफिज़।